नमस्ते दोस्तों, कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में मैं स्मिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये मंच खास आपके लिए है, जहां आप अपने खेतीबाड़ी से संबंधित तमाम सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब हम आपको विशेषज्ञों के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करते हैं। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। धन्यवाद जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और फोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को। हमारे साथ पहले कॉलर हैं तारा चंद जी, हिमाचल प्रदेश से। जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो जी, नमस्ते तारा चंद जी, हम ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं। क्या है आपका सवाल, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं सीधे। मेरा सवाल, मेरा जैसे केला की खेती होती है जी, तो उसको कैसे तैयार किया जाता है, उसको बीज को कैसे पौधा तैयार किया जाता है, बीज कहाँ मिलेगा, उसके बारे में मैंने पता करना जी। हाँ, देखिए केला को हम दो तरीके से लगाते हैं सर। एक तो जो केला का हम पेड़ लगाते हैं, उसके बाद से आपने देखा होगा चारों तरफ से उसमें से किल्ले निकलते हैं। हाँ सर, निकलता है सर। हाँ, तो उन किल्लों को निकाल करके लगाया जाता है सर, जिनको कहते हैं टिलर्स। हाँ सर, बोलिए। हाँ, दूसरा ये है कि आपका जो टिश्यू कल्चर से बनाया जाता है सर, वो पौधा होता है। टिश्यू कल्चर से जो सर, पौधा बनाया जाता है, उस पौधे में बीमारियां कम लगती हैं सर। तो उसको मैं कैसे उस पौधे को ले सकता हूँ। हाँ, अब देखिए ऐसा है कि देखिए हिमाचल से करता हूँ। हाँ, तो हिमाचल प्रदेश में अच्छा तो आपका ये होगा कि जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है सर, उससे संपर्क स्थापित करें, वहाँ से आपको ये आपको मिलेगा। और यदि अगर कोई इसकी खेती कर रहा है सर, और उसके पास अच्छी वैरायटीज हैं सर, तो वहाँ से उसके किल्ले वो दे सकता है आपको। तो हमारे में इसकी खेती नहीं होती है, और एग्रीकल्चर में इसका कोई ऐसा उनके पास ना तो उसका पौधा या कुछ है नहीं। हाँ, तो देखिए आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही संपर्क स्थापित करना पड़ेगा, या कहीं पर कोई बहुत बड़ी नर्सरी अगर हिमाचल प्रदेश में हो तो उस नर्सरी से संपर्क करके आप पेड़ ले सकते हैं। ताराचंद जी, मनौली में विश्वविद्यालय है कृषि का, जहाँ से आप इसकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और सवाल तो नहीं मैडम, फिलहाल में इसका जैसे हमारे साइड में इसका खेती नहीं होता, तो मैं इसको खेती करना चाहता हूँ। हाँ, तो देखिए अगर आप खेती करना चाहते हैं तो इसमें आप जो है कई इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें आप जाकर के ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय है, और दिल्ली में IERI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं। और वहाँ से कुछ वैरायटीज भी निकाली गई हैं, बहुत अच्छी वैरायटीज निकाली गई हैं, जिनमें जैसे बसराई है, डवार्फ है, हरी छाल का केला है, रामभोग है, ये वैरायटीज भी हैं। तो आपको थोड़ा सा ये वहाँ से आकर के कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। मनाली में आप चले जाएं तो वहाँ से आपको ये पूरा जानकारी भी मिलेगी, पूरी स्टडी आपको हो जाएगी। और आपको इसके बारे में कहीं प्रोग्राम चलता है या कोई ऐसा सेमिनार चलता है जो हम जिसको अटेंड कर सके। देखिए हमारे यहाँ अगर आप पूरा एक एपिसोड देखना चाहेंगे तो मैं आपको इतवार रविवार के दिन जो है आप इसको टाइम बता दिया जाएगा, रविवार के दिन आप देख सकते हैं इसको जी। ताराचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल इस मंच पर रखने के लिए। चलिए फोन लगाते हैं अपने दूसरे कॉलर को। अमृतपाल सिंह जी हैं हमारे साथ पंजाब लुधियाना से। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो। हाँ जी जी, अमृत जी बात कर रहे हैं। हाँ जी मैडम। अमृत जी ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। हाँ जी मैडम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप कार्यक्रम में सीधे जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है मैडम जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, मेरा सवाल ये है, जो लहसुन की खेती है, इसमें प्लास्टिक मल्चिंग का यूज किया जा सकता है। देखिए लहसुन आपने कब लगाया था। लहसुन तो मेरा अभी लगा हुआ है अक्टूबर का, मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ। अगर अगली बार लगाना हो प्लास्टिक डाल के उसमें छेद करके लगा सकते हैं। हाँ देखिए ऐसा है, मल्चिंग का काम होता है नमी को रोकना। हाँ जी सर। और आप लगाएंगे इसको अक्टूबर में, आप लगाएंगे इस साल आपने अक्टूबर में लगाया तो अगले साल भी आप फिर अक्टूबर में ही लगाएंगे। हाँ जी सर। अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीने ज्यादा गर्मी के नहीं होते हैं। हाँ जी। और ऐसी अवस्था में
जब हमारे पास साधन हो, सिंचाई के पर्याप्त साधन हो और तापक्रम कम हो तो मल्चिंग की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। मल्चिंग का केवल दो ही उद्देश्य हैं, एक खरपतवारों को नष्ट करना और दूसरा नमी को बनाए रखना। हाँ जी सर, ये खरपतवारों की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है ना, इस पे लेबर खर्चा बहुत ज्यादा, प्रॉफिट होता नहीं। हाँ, तब आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको प्लास्टिक की मल्चिंग स्टार्टिंग में कर दें तो वो ऐसा है कि खरपतवार आपके कम उगेंगे। जी, कोई और सवाल है सर आपका? नहीं, और कोई सवाल नहीं मैडम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल इस मंच पर रखने के लिए। धन्यवाद जी। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, हमारे साथ बिहार से रोशन सिंह जी हैं। आइए जानते हैं रोशन सिंह जी का क्या सवाल है। हेलो। हेलो जी, रोशन सिंह जी बात कर रहे हैं? जी रोशन सिंह जी, ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं। पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। जी, हमको बोलना था कि जो लेमन है उसका नर्सरी कहाँ मिलेगा। जी हाँ, तो देखिए ऐसा है कि जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है, हाँ, और दूसरे जो आपके जिला स्तर पर, हाँ, जिला स्तर पर आप जो है जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क स्थापित करें। हाँ, और जिला उद्यान अधिकारी आपको जो है वो पूरा मार्गदर्शन करके आपको नींबू के पेड़ दिलवा देंगे। मतलब उनसे बात संपर्क करने पर वो मतलब दिलवा सकते हैं? हाँ, दिलवा सकते हैं, क्योंकि जिला उद्यान अधिकारी के अधीनस्थ ही जो है जितने भी ये फल वाले वृक्ष हैं, उनकी पूरी जानकारी देना, उनकी नर्सरी दिलवाना, ये सब काम जो है जिला उद्यान अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो रोशन सिंह जी, अगर आपको लेमन की खेती करनी है तो आप अपने यहाँ के जिला उद्यान अधिकारी से मिलें, वो आपको इसमें सहायता जरूर करेंगे। जी, थैंक यू। जी रोशन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल यहाँ रखने के लिए। तो फिलहाल यहाँ कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आप ही के कुछ और सवाल। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। करेले की खेती किस टाइम में करना चाहिए जी? देखिए, करेले की खेती जो है वो वर्ष में दो बार मौसम है इसका। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका पूछे अपना सवाल में, जिसमें हम आपके सवालों के जवाब देते हैं विशेषज्ञों के माध्यम से। अगर आपका भी कोई सवाल है तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। इसके अलावा आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, जीमेल या फिर फेसबुक के जरिए भी भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। हमारे साथ अगले कॉलर हैं राकेश साहू जी। आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, राकेश साहू बात कर रहे हैं? राकेश जी, ग्रीन टीवी से बात कर रहे हैं पूछे अपना सवाल कार्यक्रम से। हाँ मैडम, मैं चाह रहा था कि करेले की खेती किस टाइम में करना चाहिए जी? देखिए, करेले की खेती जो है वो वर्ष में दो बार मौसम है इसका। एक तो आप जुलाई अगस्त में करते हैं और दूसरा आप फरवरी मार्च में इसको लगाते हैं। अब बात आती है कि करेला के लिए जो है वो हम कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज़ हैं जिनको लगाएं जिससे हमको अच्छी उपज मिल सके। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जिसको पूसा इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसने बहुत सी वैरायटीज़ निकाली हैं, जिसमें से पूसा विशेष, पूसा औषध, पूसा हरित और पूसा हाइब्रिड, ये वैरायटीज़ जो हैं करेला की बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ हैं। और इसका 5 से 6 किलो पर हेक्टर जो है वो बीज लगता है। सर, प्राइवेट स्तर पर कोई कंपनी? देखिए, प्राइवेट स्तर पर कंपनी तो जो बीज बनाती हैं उनसे आप ले सकते हैं। सर, मैं ये जानकारी चाह रहा था कि ऐसे करेले को क्या पौध तैयार कर सकते हैं अपन में? हाँ देखिए, ऐसा है कि अगर जल्दी लगाना है, जिस तरीके से लौकी की भी हम नर्सरी तैयार कर लेते हैं, इसी तरीके से हम अधिक ठंड के टाइम में उसको ग्रीन हाउस में या कहीं बरांडे में इस तरीके से जहां पर हम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, वहां पर प्लास्टिक की थैलियों में बीज लगा करके हम पौधा तैयार कर सकते हैं और उसको बाद में
जब हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तब खेत में आके लगा देते हैं। जी राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रीन टीवी से जुड़ने के लिए और अपना सवाल पूछने के लिए। जी, और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को। रवि कुमार है हमारे साथ कुरुक्षेत्र हरियाणा से, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो जी, रवि कुमार जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी रवि, ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, ग्रीन टीवी के पूछे अपना सवाल कार्यक्रम के लिए आपका सवाल आया था। हाँ जी, हाँ जी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए अपना सवाल। तरबूज के बारे में पूछ रहे थे, क्या मम्मी ने बताया? तरबूज जो है वो एक तो नदी के किनारे लगाया जाता है जो पहले जो होती है, और एक किसान अपने खेत में लगाता है। नहीं पता क्या चक्कर है जी? किसान खेत के, हाँ बोलिए, खेत के किनारे मारकंडा ना, वो मारकंडे में पानी चलता है, नदी है बहुत तगड़ी। हाँ हाँ, मारकंडा क्या है जिसमें? हाँ तो देखिए ऐसा है, और इसके लगाने के लिए मैं आपको कुछ वैरायटीज बता रहा हूँ। हाँ जी। एक है शुगर वेवी। अच्छा जी। एक जापान के द्वारा निकाली हुई वैरायटीज है जो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगी, आसाई आमाती। ये कहाँ से प्राप्त होगी जी? ये भी आपको जिस दुकान से आप शुगर वेवी लेंगे, हाँ जी, वहीं से ये आसाई आमाती भी मिल जाएगी आपको। बस ये आपको ध्यान देना है इस बात का कि जिस गवर्नमेंट से अप्रूव्ड दुकान हो, या गवर्नमेंट की स्वयं की दुकान हो, या किसी रिसर्च स्टेशन ने अपनी दुकान खोल रखी हो एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन की, तो जो बीज आप लें उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लें, बहुत दिनों का रखा हुआ ना हो और सील्ड हो, खुला हुआ बीज ना लें। अच्छा जी, एक किलो से कितना उत्पादन दे रहे हैं? देखिए शुगर बेबी जो है वो 200 से लेकर 250 जो है क्विंटल पर हेक्टर आपको उपज देती है। अच्छा, और जो आसाई अमाती जो जापान की है वो आपको 250 से 100 से ले क्विंटल से लेकर के और 275 क्विंटल पर हेक्टर तक उपज दे देती है। कोई संकर किसका संकर किसमें नहीं है कोई जी? देखिए अर्क ज्योति जो है वो आपकी हाइब्रिड है, और ये आपकी है 350 क्विंटल पर हेक्टर। ये अक्टूबर में भी लगा सकते हैं ना इसको? इसको अक्टूबर में भी लगाया जा सकता है? देखिए अक्टूबर में अगर आप लगाते हैं तो मैंने जैसा बताया ना कि वो सिस्टम दूसरा है, पालेज वाला सिस्टम है, जिसमें कि पाला से बचाने के लिए पतेल से उसको दोनों तरफ से ढक कर के और उसमें बीज को लगा करके तैयार करते हैं ताकि उसमें पाला का असर ना हो। अक्टूबर में तो इतनी ठंड नहीं होती ना? अक्टूबर में ठंड तो नहीं होती है, लेकिन अक्टूबर में जब आप बोएंगे उसके बाद जब उसका डेवलपमेंट होगा तब तक नवंबर दिसंबर में, दिसंबर में जा करके एकदम बहुत ज़्यादा जाड़ा हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो इसीलिए उसमें जो है आपने देखा है कि नदी के किनारे जो खेतों में लगा पालेज होती है उसमें वो खाई खोदते हैं, खाई खोद करके और उसमें उसको लगाते हैं, और लगाने के बाद चारों तरफ से जो है उसको खाई से इस तरीके से पतेल से ढक देते हैं कि उसमें किसी तरीके की ठंड का असर ना हो। तो अक्टूबर माह में अगर आप बोएंगे तरबूज की फसल तो उसे आपको पाले से बचाना होगा। ठीक है जी। रवि, कोई और सवाल है आपका? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आप ही के कुछ और सवाल, बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने इसलिए पूछा था, वो मटर पूरी थी उसके अंदर बारिश हो रहा है जो पीली पड़ती जा रही है जी। हाँ जी, अब जो पीली पड़ी हुई है तो सबसे हाँ पहले हम आपको जो उपाय बताएं उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप अपने डेयरी, पोल्ट्री, पशुपालन और कृषि से संबंधित तमाम सवाल पूछ सकते हैं। आप फोन के जरिए हम तक अपना सवाल भेज सकते हैं, इसके अलावा व्हाट्सएप के जरिए, मेल के जरिए या फिर फेसबुक के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं। एक बात जो ध्यान में रखनी है कि सवाल के साथ आप अपना संपर्क यानी कॉन्टेक्ट नंबर लिखना ना भूलें। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, महेंद्र सिंह जी हैं, जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, महेंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहे हैं। महेंद्र जी ग्रीन टीवी से बात कर रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम में आप जुड़े हुए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर
डॉक्टर साहब मैंने इसलिए पूछा था, वो मटर बोरी थी उसके अंदर बारिश हो रहा है, वो पीली पड़ती जा रही है जी, तो अब उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बारिश ज्यादा हो रही है और खेत में पानी भर रहा है, नहीं अब तो पानी नहीं है उसमें, अच्छा पानी नहीं है, पीली पड़ी हुई है। हाँ जी, अब जो पीली पड़ी हुई है तो सबसे पहले हम आपको जो उपाय बताएं उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि किस अवस्था में है, क्या फ्लावरिंग उसमें हो गई है या अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है? नहीं, फूल पापड़ा आ रहा है वैसे। फूल आ गया है? हाँ जी। तो आप ऐसा करें कि आप 2% यूरिया का स्प्रे करें। हाँ देखिए, 2% का मतलब हो गया आपका 20 ग्राम प्रति लीटर। हाँ जी। अब ऐसे समझ लिए 2 किलो 600 से 800 लीटर पानी में आप 2-2.5 किलो जो है यूरिया ले लें। अच्छा जी। और उसको आप घोल करके और उसका छिड़काव करें, वो 1 हेक्टेयर के लिए आपका पर्याप्त हो जाएगा। अच्छा, खाली यूरिया स्प्रे करेगा? हाँ यूरिया, क्योंकि देखिए ऐसा है पानी अधिक हो जाने की वजह से, ये यूरिया वैसे डलवा दें जी? हाँ, ये अगर आप वैसे डलवाना चाहें तो फिर आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं वो तो बढ़ा लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, तब आप ऐसा करें कि देखिए 10 किलो से लेकर के 15 किलो, हाँ जी, जिस तरीके से आपका खेत की अवस्था है उसके हिसाब से लेकर के और टॉप ड्रेसिंग कर दें। अच्छा जी, 1 एकड़ के अंदर अब 20 किलो यूरिया डलवा दें? नहीं नहीं, 1 एकड़ में आप 20 किलो मत डालिएगा, नहीं तो वर्निंग हो जाएगी फिर। अच्छा जी। हाँ मैंने आपको 15 किलो जो है 1 हेक्टेयर के लिए बताई है, ज्यादा से ज्यादा आप 7 या 8 किलो 1 एकड़ में डालें। नहीं बगैर स्प्रे जी। देखिए ऐसा, चूंकि फ्लावरिंग स्टेज पर है, हाँ जी, तो ये स्टेज बहुत नाजुक स्टेज होती है। हाँ जी। हाँ इसलिए ज्यादा डोज इसमें यूरिया की नहीं देनी है इस समय। स्प्रे के लिए आपको 2.5 किलो बताया है, और अगर आपको वैसे ही डालनी है तो 7 से 8 किलो सिर्फ आप डालें। अच्छा अच्छा जी जी जी। कोई और सवाल है आपका? बस यही पूछना था मैम फिलहाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जी आपका। थैंक यू जी। और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, दतिया एमपी से जितेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो जी, जितेंद्र जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जितेंद्र जी ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम में आपका सवाल आया था। हाँ हाँ, मैंने जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ओस्टोमीटिया की जी ओस्टोमीटिया अनुआ, हाँ जी, उसकी खेती किस प्रकार होती है और हमें पौधे कहाँ से प्राप्त होंगे? देखिए इसके लिए आपको, क्योंकि ये आपका मेडिकल प्लांट है ना, और इसके मेडिकल प्लांट के लिए आपको दतिया से आपको जाना पड़ेगा लखनऊ जी, और ये औषध वन अनुसंधान केंद्र जो है ककरौल लखनऊ में एक जगह है, वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ से आपको इसके पौध भी मिलेगी और इसका पूरा प्रशिक्षण भी मिलेगा जी। पहले प्रशिक्षण लेना होगा खेती करने से पहले? देखिए वो तो प्रशिक्षण के आपको 2 घंटे के अंदर सब बता देंगे आपको पूरा डिटेल। अच्छा जी। कोई और सवाल है सर आपका? नहीं नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। जी और चलिए फोन लगाते हैं अपने अगले कॉलर को, मोनू है हमारे साथ हरियाणा से, आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो जी, मोनू बात कर रहे हैं? हाँ जी मोनू बोल रहा हूं। जी मोनू ग्रीन टीवी से बोल रहे हैं, पूछे अपना सवाल कार्यक्रम में आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू मैडम। मैडम मेरे को पिग फार्मिंग वगैरह के बारे में पूरी जानकारी चाहिए मैडम जी। हाँ देखिए, पिग फार्मिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रॉस ब्रीड होती है, हाँ जी, ये 5 से 6 माह में 70 से 80 किलो वजन की हो जाती है, और जो वैरायटीज है मैं बता दूं आपको, लार्ज व्हाइट शार्क और मिडिल व्हाइट यॉर्कशायर, और एक है लेड रेड, ये वैरायटीज जो है ये बहुत जल्दी बढ़ती हैं और बहुत जल्दी जो है इनमें फैट परसेंटेज बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। इसके लिए जो बच्चा से लेकर के और बड़े तक होता है, 60 से लेकर के 40 वर्ग मीटर तक एक की जगह आवश्यकता होती है। अगर पूरा व्यस्क है तो 40 वर्ग मीटर उसको जगह चाहिए, और बच्चा है तो 7। उसके बाद जो है इसके लिए जहां आप इसका बाड़ा बनाते हैं वहां पृथ
पशु के हिसाब से 5 से 20 लीटर तक पानी की भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है जो सुअर है उसे 250 ग्राम से लेकर के और आपको 500 ग्राम तक पौष्टिक आहार देना पड़ता है। और याद रखें जो मादा सुअर है उसको 6 महीने तक अलग से 500 ग्राम पौष्टिक आहार अलग से देना पड़ता है। बीमारी वगैरह से कितना के प्रकोप है सर? हाँ देखिए ऐसा है, सुअर में ज़्यादा बीमारी नहीं होती है, इसमें रेजिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि कहीं उसके त्वचा में कहीं गंदगी हो जाने की वजह से या वो सब हो जाए, तो उसके लिए जो है वेटनरी डॉक्टर्स जो स्थानीय होते हैं उनसे संपर्क करने के बाद वो तुरंत दवा दे देते हैं। तो सुअर में ज्यादा बीमारी का कोई भय नहीं रहता। कोई और सवाल है आपका? जी जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी मैडम जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे स्टूडियो में आकर दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी कृषि से संबंधित। आपको भी धन्यवाद जी। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर होंगे हाजिर आप ही के कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए ग्रीन टीवी।